मसालों का बिजनेस शुरू करो अपना 15,000 रुपए के अंदर और महीने का कमाओगे 1,00,000 रुपए। आज बताने वाला हूं किस चीज का MTH से बड़ा ब्रांड बनाऊंगा, आपका छाती ठोक के बता रहा हूं। लोग मेरे पीछे पड़े हैं, कार्तिक सर हाउ इज इट पॉसिबल, कैसे ब्रांड शुरू हो सकता है मसालों का? होता है, हम कराएंगे ना, हम किस लिए बैठे हैं। आज इस वीडियो के अंदर सारी नॉलेज दूंगा, धंधा कैसे शुरू होगा, स्कोप क्या है, प्रोडक्ट कैसे बनेगा, सेलिंग कैसे होगी, ब्रांडिंग कैसे होगी, और भैया ऐसी स्ट्रेटेजी बताऊंगा जो आज तक किसी ने नहीं बनाया, जिन लोगों के मसाले के बिजनेस फेल हुए हैं रीजन क्या रहा है वो भी बताने वाला हूं। समझना, आज मसालों के बिजनेस की पूरी नॉलेज दे देगा और ये धंधा चलेगा भी या नहीं चलेगा वो भी बताऊंगा। तो गाइस बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आपकी डिमांड वाली वीडियो, मसाला बिजनेस। MTH से बड़ा ब्रांड बनाएंगे, एवरेस्ट से भी बड़ा ब्रांड बनाएंगे आपका, कैसे बात करते हैं। आई एम योर कार्तिक दिवानी, योर फेवरेट बिजनेस कोच इज बैक अगेन। आ चुका हूं एक नई वीडियो के अंदर जिसमें मैं बात करने वाला हूं मसाला बिजनेस की। मसाला एक ऐसा है कि आज क्या ना, इंडिया में भैया माल जा रहा है बाहर, इंपोर्ट एक्सपोर्ट माल हो रहा है, समझ रहे हो मेरी बात, इतना तगड़ा माल एक्सपोर्ट हो रहा है, आप पूछोगे नहीं, कहेगा मसाले का बिजनेस, मसाला भाई साहब इंडिया से बाहर जा रहा है माल। सोचो क्योंकि हमारे इंडिया में मसाला है ना शुरुआत से घर में पीसा जा रहा है। आप राजा महाराजाओं के टाइम में जाओगे भैया महल के अंदर मसाले पीसे जाते थे। आप चलो उससे पुरानी छोड़ो, आप थोड़ी बहुत पुरानी टाइम में जाओ, आप देखो दादाजी के टाइम में, पर दादाजी के टाइम पे अपने घर में मसालों को पीसा जाता था, घर में मसालों को बनाया जाता था। और एक MTH नाम का ब्रांड आता है, उसने भैया एक पैकेजिंग में अच्छी सी MTH असली मसाले सच सच और बेच दिया हमको मसाला, और हम लेने लगे, और हमने जो पुरानी हमारी पैदावार थी साला मसालों की, जो हम घर में बनाते थे, हम उनको छोड़ने लगे। मसाला हुआ, पापड़ हुआ, ये घर में बनाए जाते थे मालिक, ठीक है। अब हम इन चीज को भूल चुके हैं, लेकिन इनका बिजनेस शुरू किया जा सकता है बहुत अच्छे से। क्यों? क्योंकि हर घर में इस प्रोडक्ट की यूज होती है। स्कोप यहां से समझा करो, जिस भी धंधे का स्कोप अगर आपको जिंदगी में समझना है ना, एक चीज देखना, उस प्रोडक्ट का रिपीट ऑर्डर कब आता है। भैया मसाला है ये साला 20 दिन नहीं चलता, मैं रियलिटी बताऊं 20 दिन नहीं चलता, और डेली यूज होना है, डेली खाना बनेगा, डेली मसाला यूज होगा, हैबिट में आ चुका है लोगों की। तो भैया प्रोडक्ट नेसेसिटी वाला है, जरूरत वाला प्रोडक्ट है, चलना ही चलना है, गारंटेड प्रोडक्ट चलना ही चलना है, बिकना बिकना है। वो मसाले का कंजप्शन आज के टाइम में इंडिया के अंदर मैं बता रहा हूँ ओवरऑल, समझ रहे हो मेरी बात, 15,000 करोड़ से ज्यादा का है। कितना? शायद मैं कम बता रहा हूँ, नंबर थोड़े इधर उधर हो सकते हैं, और मैं अनऑर्गेनाइज मार्केट की भी बात करूँ, ऑर्गेनाइज की भी, यानी ऐसा डाटा जो शायद गूगल पे भी नहीं है, वो मेरे पास है, कहाँ से आया सोर्सेज नहीं बताऊंगा आपको मैं। 15,000 करोड़ से ज़्यादा का भैया कंजप्शन है इंडिया के अंदर, सोचो कितनी बड़ी मार्केट है। अब इसमें अगर आपको 2-4% भी मिल गया कोई दिक्कत है, 100-200-500 करोड़ का धंधा तो बन ही जाएगा। तो भैया स्कोप तो पूरा है, सच बताओ स्कोप पूरा है। अब दूसरी चीज़ आती है, कार्तिक सर इसको शुरू कैसे करें, मसालों की शुरुआत कैसे करें, इसको मैं प्रोडक्ट मेकिंग समझा देता हूँ अब आपको, प्रोडक्ट बनेगा कैसे। भाई साहब इसमें दो चीज़ यूज़ हो रही है, समझ दो मेरी बात, पहली पैकेजिंग, दूसरी मसाला, तीसरा कुछ यूज़ नहीं हो रहा, ठीक। एक पैकेजिंग हो रहा है, मैंने पैकेट खोला हुआ है ये, एक्चुअल में आप देखोगे सिल्वर फॉइल वाला पेपर यूज़ हो रहा है, इसको भी आप इंक्लूड कर सकते हो। ये तीन चीज़ लगी है इसमें, मसाला है, सिल्वर पेपर वाला है, और ऊपर पेपर बॉक्स पैकेजिंग लगी है। अब ये बनता कैसे है, पहले तो आपको मसाला चाहिएगा, कहाँ मिलेगा, या तो घर के अंदर बनाओ, अगर आपको नॉलेज नहीं है मसाले की तो मत बनाना, क्योंकि अगर आपके खानदान में किसी ने बनाया है, अगर कुछ है ना रिलेटेड है आपके खानदान में, तो मसाले में घुस जाना, वरना बाहर से उठा लो, मैन्युफैक्चरर मिल जाएंगे, गूगल पे लिखना मसाला मैन्युफैक्चरर, आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। अगर वहां भी नहीं मिला तो भैया लोकल की मार्केट में जाओ अपनी, पर किसी ग्रोसरी शॉप पे जाओ, उसी को जाके कहो भैया कोई मैन्युफैक्चरर है मुझे मसाले का बिजनेस शुरू करना है, वो आपको कॉन्टैक्ट प्रोवाइड कराता चला जाएगा, घर से निकलना पड़ेगा, ऐसी कुर्सी पे बैठ के धंधा नहीं होगा भाई साहब, धंधे के लिए मार्केट में उतरना पड़ेगा। पहली चीज तो मैन्युफैक्चरर मिल जाएगा, अगर नहीं मिला गूगल पे सर्च कर लेना मसाला मैन्युफैक्चरर नियर मी, गूगल पे तो सब चीज मिल जाती है और मिलती है, ये सर्च कर लेना आपके आसपास मसाला मैन्युफैक्चरर मिल जाएंगे। अब दूसरी चीज आती है, मसाले तो मिल गए, अब सर पैकेजिंग कहां से लाए, पैकेजिंग के लिए मैं आपको बता रहा हूं, पैकेजिंग के लिए कुछ वेबसाइट है, वैसे तो गूगल पे जा सकते हो आप, एक है मैं बता रहा हूं myperfectpack.com, क्या है myperfectpack.com, वहां पे सर्च करना पेपर बॉक्स पैकेजिंग, इस जो पैकेजिंग है मसाले की हो रही है ना, इसको पेपर बॉक्स पैकेजिंग कहते हैं, समझ रहे हो मेरी बात, और इसके अंदर ये लगा है, पूरी चीज तैयार कर देंगे। अब इसमें जो डिजाइन वगैरह बना है, डिजाइन भी तो चाहिए, डिजाइन के लिए क्या करोगे, ग्राफिक डिजाइनर हायर कर लो, अगर ग्राफिक
डिजाइनर आपको चाहिए तो इंस्टाग्राम पे सर्च कर लो, ग्राफिक डिजाइनर मिल जाएगा। अगर नहीं मिला तो भैया कैट डिजिटल एजेंसी एक मेरे इंस्टाग्राम पे चैनल है, मेरी खुद की डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, अगर आपको नहीं मिला मुझे बता देना, हम हेल्प कर देंगे। ठीक है, ग्राफिक डिजाइनर इस डिजाइन का बनाने का मुश्किल से लेगा 500 से 600 रुपए मैक्सिमम, बताऊं काम तो 200-300 का है, मैक्सिमम लेगा 200 से 600 रुपए, इससे ज्यादा नहीं देना है। डिजाइन आपका मसाले का बनके तैयार हो गया, पेपर बॉक्स पैकेजिंग myperfectpack.com से आपने बना ली, वो भी डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा मैं पैकेजिंग का, और बताओ या तो वहां से ले लो या किसी बात कर सकते हो पैकेजिंग वाले से, गूगल पे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, हो गया काम आपका। ठीक, अब पैकेजिंग होगी, मसाला रेडी हो गया। शुरुआत में आपको केवल 3 या 4 वैरायटी निकालनी है, ज्यादा मत निकालना, फंस जाओगे बहुत ज्यादा, दिमाग पक जाएगा। मसाले में केवल 3-4 निकाल दो, एक तो किचन किंग जैसे मसाले का बनता है, ठीक है, इसका नाम कुछ और कर देना चाहे, दूसरा कर सकते हो गरम मसाला रख सकते हो, छोले मसाला रख सकते हो, बिरयानी मसाला रख सकते हो, 3-4 वैरायटी रखना जो बहुत ज्यादा यूज होती है। समझ में आ गई कैटेगरी वैरायटी, क्योंकि ज्यादा मत रखना, 4 से 5वीं भी मत रख देना, मेरा बात दिमाग कान खोल के सुन लो आज, 5 कैटेगरी भी नहीं करनी है, सिर्फ 4 कैटेगरी करनी है। अब सवाल ये आता है, सर प्रोडक्ट तो हमारा बन गया, कोई दिक्कत लगी? नहीं लगी। एक चीज़ और आप लोग पूछते हो, कार्तिक सर हम क्या लाइसेंस वगैरह ले, लाइसेंस क्या क्या लगेंगे, मैं आपको है ना यहाँ पे लिस्ट जारी हो जाएगी, ठीक है, एक बार चेक कर लेना, स्क्रीन पे आपको दिख जाएगा क्या क्या लाइसेंस लगेंगे, लेकिन शुरुआत में ज़्यादा लाइसेंस नहीं, एक लाइसेंस लेने की नीड है बस। ठीक है, आप ले सकते हो फूड लाइसेंस ले सकते हो, FSSAI, मर्जी है, वरना अगर छोटे लेवल पे कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, कर लो काम, पहले काम शुरू कर लो, समझ रहे हो, केवल कंपनी रजिस्टर करा लेना बस, और GST रख लेना, ज़्यादा चक्कर में मत पड़ना, क्योंकि पहले लाइसेंस लेके चलोगे साला धंधा 50,000 का नहीं हुआ फिर क्या करोगे। लोग गलती तो यही करते हैं, लोग मेरे पीछे क्यों पड़े रहते हैं, क्योंकि मैं लोगों को कहता हूँ पहले प्रॉफिट कमाओ फिर लाइसेंस लो, या पहले लाइसेंस लोगे फिर प्रॉफिट कमाओगे, पैसा क्या बचेगा धंधे में, कोई भी धंधा शुरू कर दो 1,00,000 रुपए के तो लाइसेंस लग जाते हैं उसके अंदर, और 1,00,000 रुपए लगाने लाइसेंस के खाली, धंधे में लगेगा अलग, और धंधे में लगाने के बाद जब प्रॉफिट नहीं होता बंदा कहता है सर क्या करूं, यही तो समस्या है ना भाई साहब। और जिस बंदे ने धंधा शुरू किया है आप उसका इतिहास उठा के देखना, वो बताएगा नहीं कभी मुझे, उसने जब धंधा शुरू किया ना उसके पास भी सारे लाइसेंस नहीं थे, तो आपके पास कहां से आ जाएंगे। लेकिन आपको उलझाया जाता है, आपको उलझना नहीं है, प्रॉफिट कमाना है। बिजनेस में कोई चीज मायने नहीं रखती, सिर्फ 2 चीज मायने रखती है, बताऊं क्या, प्रॉफिट और लॉस। नुकसान नहीं होना चाहिए, प्रॉफिट होना चाहिए, क्योंकि प्रॉफिट करोगे सारी गलतियां माफ है, हर गलती से निकलने का समाधान है, और नुकसान करोगे भैया शहर का कुत्ता भी आपके पीछे पड़ जाएगा, समझ रहे हो मेरी बात। तो जो प्रॉफिट कमाता है, जो पैसा कमाता है ना, वो हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, चाहे लाइसेंस की हो कुछ भी हो, और जो प्रॉफिट नहीं कमाता वो धंधा जाता ही जाता है, गोल्डन स्टेटमेंट है, याद रखना मेरी। अब आती है अगली चीज़, सर प्रोडक्ट मेकिंग समझ गए, अब दूसरी चीज़ है सर इसको बेचे कहाँ, सबसे मुद्दे का सवाल आज को मैं बताता हूँ, लाइसेंस समझ में आ गया, अब इसको हम बेचेंगे कहाँ। भैया इसको बेचने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, वो है आपको B2B इसको बेचना पड़ेगा, ठीक है, डोर टू डोर भी बेच सकते हो, मर्जी है। B2B यानी शॉपकीपर, पहले तो एक लिस्ट बना लो कि आपके शहर में दुकानें कितनी हैं, ठीक। अब दुकानें आपको पता चल गई बहुत अच्छे तरीके से, अब आपको उनके अंदर माल रखना है, वो आपका बेचेंगे। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन आपका, कार्तिक सर दुकानदार हमारा प्रोडक्ट क्यों लेंगे, मार्केट में MDH है, मार्केट में एवरेस्ट है, या मार्केट में तीसरा कोई मसाला है, बहुत सारी वैरायटी है मसाले की, वो आप ही का ब्रांड क्यों लेंगे, सबसे बड़ा क्वेश्चन है, और होना भी चाहिए। मैं बताऊं क्यों लेंगे, क्योंकि साला आप हो, MDH अपना धंधा कर रहा है, आप अपना धंधा कर रहे हो, वो लेंगे कैसे लेंगे मैं बताता हूं। आप प्रोडक्ट पिच करने से पहले डिमांड क्रिएट कर दो, क्या करना है, डिमांड क्रिएट करनी है, लिख लो ये चीज़, डिमांड क्रिएट करनी है बॉस। जब आप डिमांड क्रिएट करोगे ना, दुकानदार आपसे पूछेगा कैसे, आपने पहले लिस्ट बनाई दुकानदारों की, समझ रहे हो, और आपने मान के चलो शुरुआत में टारगेट लिया, पहले 20 दुकान पे रखूंगा या 10 दुकान पे रखूंगा, ठीक है। अब उन दुकानों पे है ना अपने बंदे भेजने शुरू करो कि मसाला है, कह रहे हाँ जी, खाली मसाला नहीं कुछ सामान ले लो, जैसे कोई लेता है ना घर के लिए ग्रोसरी शॉप, आपके जानने वाले होंगे, उनको कहना इस बार उस शॉप से ले लेना, या वो जिस शॉप से भी लेते हैं उसी को जाके कहो कि जब आप उसमें मसाला लिखाओ ना, तो उसके अंदर उनको बोलना कि मसाला आपके पास उस ब्रांड का भी है क्या, आपका ब्रांड का नाम बोल देना, वो कहेगा जी वो तो नहीं है, अच्छा वो नहीं है चलो, तो वो ब्रांड हो तो कहीं बताना मुझे आप, आजकल चल रहा है वो, मतलब कस्टमर बताएगा, फिर एक जाएगा, दो जाएगा, तीन, जब ये चीज रेगुलर, ध्यान रखना ऐसा नहीं एक एक दिन में दो दो मिल लेना, ना एक दिन में एक ही बंदा भेजना, गड़बड़ हो जाएगी, पहचान जाएगा वो। ये चीज करोगे ना डिमांड क्रिएट होगी, आपको कस्टमर के माइंड में डिमांड क्रिएट नहीं करनी, आपको दुकानदार के माइंड में डिमांड क्रिएट करनी है। लोग समझ नहीं पाते, लोग बड़े बड़े होल्डिंग्स लगा देते, कोई फायदा नहीं,
शुरुआत इतने फायदा नहीं है, लेकिन आपको दुकानदार के माइंड में डिमांड क्रिएट करनी है। एक बार आपने दुकानदार के माइंड में डिमांड क्रिएट कर दी भैया, उसके पास 100 कस्टमर आते हैं दिन में, वो तो 2 मिनट में बेच देगा, समझ लो। पहले आपको दुकान पे रखना जरूरी है। ऐसे करके आप डिमांड क्रिएट करोगे, डिमांड के आपके शायद आपके माइंड में और प्यारे प्यारे क्वेश्चन होंगे, बहुत सारी क्रिएटिविटी होगी, वो लगा देना आप डिमांड कैसे क्रिएट करोगे मसाले के उसमें, समझ रहे हो। तो ऐसी डिमांड क्रिएट करनी शुरू करो, जिससे क्या होगा कि आप जब प्रोडक्ट पिच करने जाओगे तो भैया दुकानदार कहेगा अरे भाई साहब रख जा माल। आज मैं किसी दुकान पे अगर रेडबुल नहीं है, मैं आपको जीता जागता एग्जांपल लेता हूँ, मैं रेडबुल बहुत सारी कंज्यूम करता हूँ, सबको पता है, ठीक है। ये मॉन्स्टर भी मेरे पास रखी है, देखो मैं मॉन्स्टर भी काफ़ी ज़्यादा कंज्यूम करता हूँ डेली बेसिस पे, मैं कोल्ड ड्रिंक नहीं पीता। अब बात क्या होगी, एक शॉप थी छोटी सी, स्टोरी सुनना बड़े ध्यान से, वो रेडबुल नहीं रखता भाई। मैं एक बार उसके पास गया, भैया रेडबुल है, कह रहे भैया रेडबुल तो नहीं है। तीसरी बार रेडबुल गया, 3 दिन बाद, मैं क्या भैया रेडबुल लाए आप, कह रहे नहीं भैया, मैं क्या ले आना, समझ रहे हो, ले आना, कह ठीक है। उसने सीरियस नहीं लिया, मैंने अपना भाई भेज दिया, मैं क्या रेडबुल ले आओ, मैंने कहा भैया रेडबुल है 5 दे दो, कह रहे भैया रेडबुल तो नहीं है। भाई साहब छठी बार उसने ट्रेडर को फ़ोन किया, ये रेडबुल वाला कहाँ मिलेगा भाई साहब, ये डिस्ट्रीब्यूटर कहाँ है रेडबुल वाला, इसको बुलाओ माल रख के जाओ मेरी दुकान पे। ये कंडीशन होती है, ऐसे बैकएंड पे चीजें चलती है। आपकी मसाले की डिमांड इतनी, भाई साहब दुकानदार पागल हो जाएगा। दुकानदार को एक चीज बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, बताऊं क्या, कस्टमर को अपनी दुकान से खाली भेजना। आप वो चीज कर दो, दुकानदार पागल हो जाएगा, बात समझ रहे हो मेरी। तो ऐसे डिमांड क्रिएट की जाती है, ऐसे B2B आपकी चेन बनेगी। पहले 10 दुकान, फिर 20 दुकान, फिर 50 दुकान, फिर 100 दुकान, सीधा 50-100 पे मत जाना, नहीं हो पाएगा। लोग क्या करते हैं, दुकानदार के पास जाते हैं, सर भैया हमारा मसाला रख लो, वो कहता है बाद में, अभी धंधे का टाइम है बाद में आना, या पेमेंट में मक्कारी करेगा। अगर इन सब दोनों चीज़ों से बचना है ना, ये प्यारी चीज़ बताओ, और सबसे पहले खुद ही जाना, किसी बंदे को मत भेज देना, खुद ही जाना। या तो ये कर लो, या सीधा ट्रेडर से संपर्क कर लो, जो जिसका नेटवर्क दुकानों का बहुत तगड़ा हो। तो पहली बात तो वो आपको घुसने नहीं देगा, अगर आपके कॉन्टैक्ट है तो घुस जाओगे, वरना घुसने नहीं दोगे। डायरेक्ट दुकान पे संबंध बनाने का मैंने आपको बता दिया। दूसरा है डोर टू डोर, भाई साहब डोर टू डोर जाके बेचो, घर घर जाके बेचो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लोग क्या करते हैं साला, घर से निकलते नहीं है, लोगों को इस कुर्सी पे चाहिए, बंदा भेज दिया भैया कि देख के आओ, प्रोडक्ट बेच के आओ, नहीं बिका कहते सर हमारा तो धंधा लॉस में चल रहा है। निर्मा के मालिक ने जो डिटर्जेंट पाउडर था ना भाई साहब, साइकिल पे जाके बेचा है, डोर टू डोर बेचना पड़ता भाई साहब। मैं बहुत सारे बिजनेसमैन से मिला 5 साल पहले 6 साल पहले, वो कहते हैं कार्तिक सर हमने ऐसी साइकिल पे, बाइक पे जाके, स्कूटी पे जाके बेचा है अपना। तो ऐसे ही होता है भाई साहब, शुरुआत के अंदर हम क्या होते हैं, मैं बताऊं ये चीज़ करनी ज़रूरी क्यों है, क्योंकि प्रोडक्ट बिकने से कॉन्फिडेंस आता है, कॉन्फिडेंस से आप बड़ा धंधा बनाते हो, आप कामयाब होते हो। कामयाबी में क्या चाहिए, कॉन्फिडेंस चाहिए, कॉन्फिडेंस आएगा प्रोडक्ट बिकने से। तो प्रोडक्ट बेचो ना डोर टू डोर जाके, पूरा दिन धक्के खा के, कौन सा साला पत्थर तोड़ना है तुम्हें। शुरुआत में 10 दिन जाओ डोर टू डोर, बंदा भेजो अपने साथ रखो कोई, मैं कह रहा हूं अपने साला 20 मसाले के पीस बेचे, कमा रहे हो ना 100 रुपये, कमा रहे हो 200 रुपये, 500 रुपये कमा रहे हो ना, 500 रुपये पर डे कमा रहे हो, 5 × 3 = 15, 15,000 का धंधा नहीं बन रहा गया महीने का, बन रहा है ना, नुकसान में तो नहीं होना बॉस, समझ रहे हो। तो ये दूसरी स्ट्रैटेजी है डोर टू डोर, शर्माना मत। कुछ लोगों को मेरी बात ऑफेंड लगेगी, कुछ लोग कहेंगे अगर हम ही धंधे में उलझे रहेंगे हम बड़े आदमी के, अबे बड़े आदमी पहले बीच के तो बन जाओ, बड़े पे भी जाएंगे, मैं मना थोड़ी कर रहा हूँ। अगर निर्मा का मालिक वो पहले दिन सोचता कि मैं साइकिल पे खुद क्यों जाऊँ, मैं तो नौकर रखूंगा, आज सबसे बड़ा आदमी है। तो इसलिए शुरुआत सबकी छोटी होती है मालिक, तो ये चीज़ आई। अब एक सबसे बड़ा क्वेश्चन है सेलिंग के अंदर, बेचने के अंदर, मार्केटिंग का भी क्वेश्चन है, कार्तिक सर इतने सारे ब्रांड है, लोग हमारा क्यों लेंगे। दूसरी चीज़ ये है, हम ऐसा अलग क्या करें कि हमारा प्रोडक्ट मार्केट में चले चले, क्योंकि MDH भी भाई साहब लगातार बिक रहा होगा, क्योंकि इसका तो नाम है। अब आप कैसे राजा बनोगे इस मसाले की इंडस्ट्री में, 3 चीज़ बता रहा हूँ, अगर राजा बनना, आज तक किसी ने नहीं बनाई होगी, मैं बता रहा हूँ 3 चीज़। पहली है हाई मार्जिन, दुकानदार को हाई मार्जिन दो। पहले पता करो, अगर मैं इसकी MRP देखूँ, मैंने चेक नहीं किया एक्चुअल में, ये 100 ग्राम इसकी क्वान्टिटी है, MRP भी इसकी फट गई शायद, ये 100 इसकी, हाँ ये 100 ग्राम है, और आई थिंक 60-70 रुपये का होगा मेरे हिसाब से, इतना ही होगा गारंटेड बता रहा हूँ मैं आपको, चलो जितना भी है। देखो ये 30 रुपये की कसूरी मेथी है, हाँ, 30 रुपये की कसूरी मेथी है, इतना ही पड़ेगा किचन किंग, 50-60-70 रुपये का आता है। भाई मेरी बात सुनना, अगर दुकानदार को मार्जिन मिल रहा है MDH में 5 रुपये का, आप उसको 8 रुपये का देना। कस्टमर, दुकानदार को हाई मार्जिन चाहिए, वो जहर भी बेचने को तैयार है मार्केट के अंदर, समझ रहे हो मेरी बात। हाई मार्जिन जिंदगी में ध्यान रखना,
आप हाई मार्जिन दे देना तो आपका दुकान पे माल चला जाएगा। पहली चीज, जो लोग क्या करते हैं, जो पॉइंट टू पॉइंट चलता है ना, जितना एमटीएच मार्जिन दे रहा है 5 रुपए का, उन्होंने ज्यादा से ज्यादा 6 कर दिया, नहीं चलेगा। अपना प्रॉफिट कम करना पड़ेगा, शायद ब्रेक इवन पे खेलना पड़े आपको। 5 के बजाय अगर 5 मार्जिन है ना दुकानदार का, पता करना पहले, 5 के बजाय 8 दे दो, वो दीवाना हो जाएगा। पहला तरीका ये है। दूसरा तरीका है मसाले की इंडस्ट्री में, अपने शहर में डंका बजाने का, कि अपना जो नाम है ना कॉम्पिटिशन वालों जैसा रखो। सिमिलर कॉम्पिटिशन नेम स्ट्रेटेजी कहा जाता है इसको, सिमिलर कॉम्पिटेटिव नेम स्ट्रेटेजी। सिमिलर नेम, जैसे MDH है, लोगों की जुबान पे चढ़ा हुआ, इनकी ब्रांडिंग का फायदा उठाओ ना। इसको कॉपी स्ट्रेटेजी भी कहा जाता है, जो बिस्लेरी के आसपास वाले लोगों ने भी की थी। आपने नाम रख दिया अपने ब्रांड का NDH, आज तक नहीं रखा किसी ने NDH, ये MDH, आप रख दो NDH, समझ लो मेरी बात। तो ऐसा करा लो, कोई दिक्कत थोड़ी है। जैसे दुकानदार के पास कोई कस्टमर गया, उसने कहा कि मुझे MDH का मसाला चाहिए, दुकानदार कहेगा जी MDH तो है नहीं, NDH है, ये उससे अच्छा मसाला है, हो गया काम। लोग कहेगा भाई सिमिलर सा लग रहा है, यही होगा, दे लो। ऐसे भी होल कर सकते हो, सिमिलर नेम स्ट्रैटेजी कहा जाता है, बड़े बड़े ब्रांड ने भी किया ये चीज, ठीक है। तीसरी चीज क्या आती है, सबसे बड़ी वाली बात आती है, तीसरी चीज आती है भाई साहब, हमें ध्यान क्या रखना है। सिमिलर आपने नाम रख दिया, हाई प्रॉफिट मार्जिन दे दिया। तीसरा है कॉम्बो पैक, मेरी फेवरेट स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ आपको, अगर मसालों की इंडस्ट्री में कुछ अलग करना है, क्योंकि भैया 50 का मसाला अगर कस्टमर के परस्पेक्टिव से देखो, क्योंकि दुकानदार ने माल रख लिया, एट द एंड ऑफ द डे तो रिपीट ऑर्डर तभी होगा ना जब कस्टमर खरीदेगा। तो अब हम कॉम्बो स्ट्रेटेजी खेल सकते हैं इसके अंदर। जैसे MDH 50 रुपये का है, आप 50 रुपये में 3 मसाले दे दो, छोटे छोटे पैक बना दो, छोटे छोटे, ठीक है, 3 मसाले दे दो, गरम मसाला भी, किचन किंग भी कर दो उसमें, आप बिरयानी मसाला भी कर दो, 3 का कॉम्बो पैक बना दो आप 50 रुपये में। जब दुकानदार के पास जाएगा कस्टमर, दुकानदार कहेगा जी भैया आज वो तो है नहीं, लेकिन एक 50 में 3 मसालों का कॉम्बो पैक चल रहा है, वो कहेगा ये बढ़िया भाई, 50 रुपये का तो उसका बजट है ही, उसका बजट मत बढ़वाओ 50 रुपये से, 50 में ही ज़्यादा माल दे दो। और इंडिया की मार्केट ऐसी है, उसको साला कॉम्बो मिल जाए ना वो फैल जाता है। तो कॉम्बो स्ट्रैटेजी आज तक किसी ने नहीं की, शायद 50 में किचन किंग मिल जाएगा, एवरेस्ट भी मिल जाएगा, या कोई और ब्रांड मिल जाएगा, कैच मिल जाएगा, लेकिन उसको 3 मसाले कभी नहीं मिलेंगे। आप ले आओ ये कॉम्बो स्ट्रैटेजी, अगर लगाओगे कस्टमर का माइंड गेम खेलेगी बहुत तगड़े वाला, दुकानदार भी कहेगा, दुकानदार को हाई मार्जिन मिल जाए। ये 3 चीज़ मैंने बताई है, ये चीज़ आप मसाले के बिजनेस में लगाओ भाई साहब, ये चलेगी चलेगी, लेकिन अवेलेबिलिटी का ध्यान रखना हमेशा। इस धंधे में 2 टिप और बता रहा हूँ, अगर B2B में या किसी भी बिजनेस में अगर राजा बनना है, B2B में स्पेशली, अवेलेबिलिटी का ज़्यादा ध्यान रखना, आपके पास माल पड़ा होना चाहिए, ज़्यादा दुकानदार के चक्कर में मत उलझना, 20-50 में मत उलझना। अगर आपकी साला 2 दुकान की कैपेसिटी फुलफिल करने की क्षमता है ना, सिर्फ 2 की करना, ये चीज करोगे बहुत अच्छे से आपका धंधा दौड़ेगा। वॉकिंग स्ट्रेटेजी जरूर लगाना, आराम आराम से चलना, चलना भागना मत, चलना, पहले चलो, जब स्टेबल हो जाए, थोड़ा बहुत प्रॉफिट आ रहा है, फिर रफ्तार बढ़ानी शुरू कर दो। एकदम रफ्तार बढ़ाओगे नीचे आ जाओगे तुरंत। और जो मैंने 3 चीजें बताई सेलिंग की, आज तक किसी ने नहीं बताई, ये लगाओ, मसाले का बिजनेस ऐसा दौड़ेगा और खुद का ब्रांड बनाओगे। इस पूरे धंधे को लगाने में 40,000 भी नहीं लगेगा, शायद 20-25,000 में काम कर जाओ। शुरू में 20-50-100 प्रोडक्ट बनाओ, ज्यादा मत बनाओ, धंधा करके देखो भाई साहब, चलेगा ही चलेगा। तो आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट के अंदर जरूर बताना। और एक चीज मैं आपको बताना भूल गया, अगर आपको और बिजनेस आइडिया चाहिए, या आपको समझ नहीं आ रहा कार्तिक सर बिजनेस मैं क्या क्या करूं, आपके लिए कार्तिक भैया ने बना दिया 50 बिजनेस आइडियाज ईबुक। ये तो फिजिकल है आपको, लेकिन डिजिटल मिलेगी। अब क्या करना, सुनो मेरी बात, अगर आप चाहते हो ये 50 बिजनेस आइडियाज ईबुक, इसके अंदर मैंने 50 बिजनेस आइडिया बताए हैं, इनको करना कैसे सब कुछ बताए हुए हैं। मतलब इतनी प्यारी ईबुक है, 1000 से ज्यादा लोग ले चुके हैं, सबको बहुत मजा आया, जेन्युइन नोट पे बता रहा हूं मैं कहीं ना कहीं। तो अगर आप ये ईबुक लेना चाहते हो, इसका प्राइस ना तो 10,000 है, ना 15,000 है, ना 25,000 है, सिर्फ 500 रुपए, सिर्फ आपके लिए, मेरी YouTube फैमिली के लिए। इसको खरीदने के लिए क्या करना है, मेरे डिस्क्रिप्शन में जाना है, इसी वीडियो में आपको 50 बिजनेस आइडियाज ईबुक का लिंक मिल जाएगा, उस लिंक पे क्लिक करो, मुझे WhatsApp पे मैसेज हो जाएगा, और भैया वहां से अपनी डिटेल भेजो, पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेजो, 10 मिनट में आपके WhatsApp पे आपकी ईबुक मिल जाएगी। अगर घर में भी मंगाना चाहते हो तो आप बता सकते हो, आपके घर में भी आ जाएगी। तो भैया धंधा शुरू करो, और अगले वीडियो किसके ऊपर चाहते हो मुझे कमेंट में जरूर बताना, क्योंकि पिछली बार कमेंट आई थी तो मैंने आपके लिए वीडियो बना दी थी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।